झारखंड के गुमला में भीड़ ने रेप के आरोपियों के साथ ऐसा इंसाफ किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के बसुआ पंचायत के एक गांव का है। मंगलवार को भीड़ ने नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपियों को बाइक समेत जिंदा जला दिया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मृतक की पहचान सुनील उराव के रूप में की गई है जबकि दूसरे का नाम आशीष उराव है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग अपने माता पिता के साथ लोहरदगा के भंडारा गई हुई थी। जब परिवार वापस लौट रहा था तब बस स्टैंड के पास गांव का ही एक युवक अपने दोस्त के साथ वहां बाइक से आया। उसने परिवार से देर होने की बात कही। परिवार ने बताया कि बस का इंतजार कर रहे हैं, घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि सारा सामान घर के ही बाहर पड़ा हुआ है। इसके बाद जल्दी पहुंचाने की बात कहकर युवक ने नाबालिग लड़की को बाइक से लेकर चला गया। शाम करीब 7 बजे जब माता पिता घर पहुंचे तो बेटी वहां नहीं मिली। तक जब घर नहीं लौटी तो वे लोग युवक के घर गए लेकिन युवक अपने घर पे नहीं मिला। किसी तरह लड़की अपनी जान बचाकर घर लौटी। इसके बाद लड़की की आपबीती सुनने के बाद गांव वालों ने लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने दौड़ा दौड़ाकर दोनों युवकों को इतना मारा कि वे चलने फिरने की भी हालत में नहीं बचे। इसके बाद गांव वालों ने केरोसिन का तेल छिड़क कर बाइक समेत दोनों में आग लगा दी। आग की लपटों के बीच दोनों युवक चिल्लाने लगे। इस बीच पुलिस को भी इसकी सूचना मिल गई। पुलिस की टीम गांव पहुंची और किसी तरह दोनों युवकों को लेकर अस्पताल पहुंची। बुरी तरह जलने के चलते एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दूसरे का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आसपास के इलाकों में काफी तनाव है जहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।